हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे अपना जो है गुप्तोत्तर काल के कुछ क्वेश्चंस, जिसका पार्ट वन का लाया था। और उसमें हमने किया था जो गुप्तोत्तर काल है उसके कुछ क्वेश्चन करे थे। अब क्या है, उसके कुछ थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम आज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है अपना आज का पार्ट नंबर टू, और जो कल आया था वो इसका पार्ट नंबर वन था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का ये जो है अपना वीडियो। तो देखिए, अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान करिए। तो इनका मिलान करना है मार्को पोलो, इबन बतूता, एंटोनियो मोनसेरेट, महमूद बली बाल्खी। तो देखिए, इसका आंसर होगा ए वाला, यानी कि जो मार्को पोलो है वो इटली, इबन बतूता जो है वो है मोरक्को, एंटोनियो मोनसेरेट है वो है आपका स्पेन, और महमूद बली बाल्खी ये है बल्क। तो देखो, मार्को पोलो इटली, इबन बतूता मोरक्को, एंटोनियो मोनसेरेट स्पेन, महमूद बली बाल्खी बल्क। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 22। बीतपाल और धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग, गुप्त युग, मौर्य युग, पठान युग। तो देखिए, इसका आंसर होगा ए, यानी कि पाल युग। तो जो बीतपाल और धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार पाल युग से संबंधित थे। पाल युग के अन्य विद्वानों में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र दाय भाग का रचयिता, जिमूतवाहन रामपाल चरित का रचयिता, संध्याकर नंदी शामिल है। नेक्स्ट है अपना 23 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो कौन सा था? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो सी होगा, नालंदा। तो नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, नालंदा वर्तमान बिहार राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी वाला, यानी कि बिहार। तो जो नालंदा है वो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है अपना 25 क्वेश्चन। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे, किसके द्वारा स्थापित किए गए? रामानुज के द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा या माधव विद्यारण्य द्वारा। तो देखिए, इसका आंसर है वो होगा आपका सी, आदि शंकराचार्य द्वारा। तो आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारिका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की थी। 26 क्वेश्चन है। अद्वैत जो दर्शन है उसके प्रमुख, जो मुख्य प्रतिपादक थे वो कौन थे? माध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस या रामानुजाचार्य। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी, यानी कि शंकराचार्य। तो अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक शंकराचार्य थे, माध्वाचार्य ने द्वैतवाद एवं रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद की स्थापना करी। तो ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, द्वैतवाद और विशिष्टा द्वैतवाद, इसकी स्थापना किस किस ने करी। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन आज का। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुसलमान साहसिक था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक,
मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी कि मोहम्मद बिन बख्तियार। तो नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को बौद्ध विहार अथवा दुर्ग समझकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशियन द्वितीय, नरसिंह वर्मन पल्लव या शशांक। इसका आंसर है बी, यानी कि पुलकेशियन द्वितीय। तो हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशियन द्वितीय यानी चालुक्य वंश ने नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट अपना है 29 क्वेश्चन, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो देखो, हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या मथुरा। तो देखें, इसका आंसर होगा सी, यानी थानेश्वर थी जो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी, बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन, तो हर्षवर्धन जो थे प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। इनकी मृत्यु हो गई, हर्षवर्धन शासक बना और 606 ईस्वी में अपनी राज्य जो इनकी राजधानी है उन्होंने फिर बाद में कन्नौज बना ली थी, और इस उपलक्ष्य में हर्ष संवत भी प्रारंभ किया। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है अपना, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था? प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने, चालुक्यों ने। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ये जो प्रतिहार थे उन्होंने किया था। तो 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना। राजपूतों का इस संघ से ने जुनेद इब्न अब्दुर जो रहमान अल मारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर के देवता हैं? जो कोणार्क मंदिर है उसके देवता कौन हैं? सूर्य, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, यानी कि जो सूर्य है, देखिए जो सूर्य है वो क्या है, कोणार्क मंदिर के देवता है। नेक्स्ट तो देखिए, कोणार्क सूर्य देवता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण गंग राजा जो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो ये ध्यान रखना कि जो कोणार्क के सूर्य मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया, तो इनका निर्माण गंग राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? नहीं पूछ रहा है, तो देखिए इसमें नहीं पूछा गया है आपसे, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। तो देखिए, इसका आंसर होगा डी, यानी कि कौशाम्बी। तो कौशाम्बी को छोड़कर अन्य तीनों प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन के केंद्र थे। 33 क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, गुहा चित्रकारी के लिए या अशोक के शिलालेखों के लिए। इसका आंसर होगा बी, यानी सांची जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। यह स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रारंभ में यह ईंट निर्मित था, तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया। स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 16.50 मीटर है। इसके एक ओर जंगले एवं तोरण द्वार आंध्र सातवाहन युग में बनाए गए। नेक्स्ट 34 है, सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर,
मुक्तेश्वर मंदिर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, यानी त्रिभुवन जो है त्रिभुवन विश्वनेश्वर लिंगराज मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर इसका आंसर सही होगा। तो जो ये भुवनेश्वर उत्कल प्रदेश की राजधानी थी, जो मंदिर की नगरी के रूप में प्रसिद्ध रही है। यहाँ के मंदिरों में पार्श्व देवता के रूप में विनायक की विविध प्रतिमाएं हैं। भुवनेश्वर के शैव मंदिरों में नटराज की प्रतिमाएं भी हैं। तो देखो इस मंदिरों में जो है नटराज की प्रतिमाएं भी दे रखी हैं। तो सन 1100 ईस्वी में निर्मित भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर यहाँ के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। नेक्स्ट अपना है 36 एंड क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया हिंदू धर्म यानी वैष्णव धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, कौन से धर्म को दिया कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण, किस धर्म को दिया। फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो मैं ये टेस्ट सीरीज जाना बिल्कुल बंद कर दूँगी। प्लीज़ शेयर करिए। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, यानी कि जैन धर्म को। तो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, जिसका झुकाव जैन धर्म के प्रति था। इसके द्वारा जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने का अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख से है। तो देखो ये कौन सा अभिलेख है जहाँ से प्राप्त होता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। तो फ्रेंड्स ये अपने आज के जो थे गुप्तोत्तर काल वो समाप्त होता है। और जो नेक्स्ट आपको जो टॉपिक कल के लिए याद करना है, भक्ति वाला जो है भक्ति काल और सूफी संतों वाला है, आपको वो याद करना है। और उसका उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है, वो जो टेस्ट है आपका वो कल लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कल का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि जो भक्ति वाला है वो आपको याद करना है, भक्ति काल और सूफी काल वाला। और आज का जो ये अपना है ये समाप्त होता है जो टेस्ट है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आप लोगों को RBSC की बुक्स जो है वो आप लोगों को पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो मेरे साथ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, अपने चैनल पर मैं इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। तो आपको नीचे जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लेलिस्ट में उस पर लिंक पे जाना है तो प्लेलिस्ट खुल के सामने आ जाएगी। मैं आपको बता दूं इससे पहले 6th-7th जो क्लासेस है और उसकी हमारी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो चुकी है, उसमें हमारे जो नोट्स हैं वो डले हुए हैं। और उसके बाद हम 8th क्लास की जो है अपनी हिस्ट्री पूरी कर रहे हैं। और आज लास्ट चैप्टर हो जाएगा अपना, जो 24th चैप्टर है हमारे गौरव, आज वो कराने जा रही हूँ मैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे 9th क्लास लेते हैं या फिर आपको और कुछ करवाते हैं हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। और मैं बता दूं आपको, हमारी रोज़ रात को 10 बजे जो है वो साइकोलॉजी का डेली लाइव टेस्ट आता है, तो आप लोग उसको भी देखिए। डेली आप लोग 10 बजे आया करिए, उस टेस्ट को भी दिया करिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।